फोटो आया हो, क्लिक कर दो। कितना रुपया हुआ आपका? फ्री में दे रहे हैं। तो ये जा रहा है जेट सी में, और कैसा मतलब एक्साइटेड है कि नहीं जाने के लिए? तो गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका अपना सलीम। तो स्वागत है आप लोग का न्यू वीडियो में। और ये पीछे जो रूम दिख रहा है, हम लोग ने यही लिया है। दिन में ये कुछ ऐसा दिखता है, आपको अच्छे से भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो रूम है यही लिया हम लोग ने, ऊपर का ये रूम और ये रूम, ये दो रूम हम लोग ने लिया है। एक में अरमान भाई, एक में हम लोग रह रहे। और सुबह उठते ही मतलब जब मैं बालकनी में आया हूँ तो मुझे मतलब मतलब रात को तो ये ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, पर जब बालकनी में सुबह सुबह आया हूँ मैं, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा ही बोलेंगे या फिर मतलब बहुत ही बेहतरीन सीनरी देखने मुझे मिली है। मतलब खुश हो गया एकदम, मतलब सुबह सुबह उठते ही मतलब इंसान बोलता है ना, किसी का अच्छा चेहरा देखना चाहिए, वैसे अच्छी जगह भी देख लेगा ना, इंसान का दिन बन जाता है। तो सुबह सुबह जैसे मैं उठा और बालकनी में आया ना, इतनी खूबसूरत जगह दिखी है मुझे। तो मैं चाहता हूँ आपके साथ भी वो शेयर करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। ये देखो, सो दोस्तों इसी जगह की बात कर रहा था मैं। देखो कितनी बेहतरीन और खूबसूरती से भरी हुई है ये जगह। सूरज महाराज भी पीछे देख रहे, हल्का हल्का झाँक रहे, और कितनी प्यारी जगह। ये देखो सुबह उठते उठते ऐसी जगह दिख जाए तो बात ही अलग है। देख रहे हो कितनी मस्त जगह है। ये देखो यहाँ पर एक कुआं भी है, एक नंबर वाला, और ये स्टेप भी दिए हुए नीचे जाने के। ये कुआं बहुत गहरा होगा, पर अभी पानी है तो दिख नहीं रहा इतना। और रही रात की बात, तो हम लोग ने मस्त मतलब एक नंबर नींद भी मारी, गपशप भी की। हम लोग लगभग 3 बजे तक बात की हम लोग ने बैठे बैठे। तो बात करते करते फिर 3 बजे सो गए। जहां हम लोग ने रूम लिया है बहुत सही जगह है, तो अलीबाग में आप भी आप आओगे तो ले सकते हो। मैं रोड या फिर लास्ट में वीडियो में भी दिखा दूँगा कार्ड अंकल का। और यहाँ पर अरमान भाई और फौजी भी आ रहे हैं देखो यहाँ से, और असद सुबह सुबह उठ चुका है। अशद भाई हमारे आ चुके हैं अरमान भाई के साथ। क्या हो अशद, गुड मॉर्निंग। अशु गुड मॉर्निंग बोला तो मुंडी घुमा लिया, अभी इधर से बोलूँगा गुड मॉर्निंग, इधर से भी घुमा लेगा फिर से इधर। अरे तू जितनी बार मुंडी घुमाएगा उतनी बार बोलूँगा गुड मॉर्निंग। इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, इतने भाव बढ़ गए इसके, क्या बोल लेगा अभी। सुबह उठते ही अरमान भाई की ड्यूटी लग जाती है असद को खिलाने के लिए, है ना अशद? आज पहली बार। ये देखो सुबह सुबह भाई खिला रहे असद को, और असद मतलब एकदम मस्ती के मूड में कल से ही। इसका एक ना बटन है, तो एक मस्ती का बटन है, वो कल से ही जब से आए हम लोग इसका मस्ती का बटन चालू हो गया, बहुत मस्ती कर रहे। अभी तो खुर्शीद और गौस सोए हुए हैं, और आज का हम लोग का प्लान है मतलब बीच पे जाने का। तो यहाँ पर एक दो बीच है, तो जिस भी बीच पे जाएंगे उस बीच का आपको नाम बता देंगे। तो पहला तो अभी जाके रेडी होते हैं और चाय भी पीना है, तो चलो ऊपर रूम पे चलते। यहाँ पर देखो अशद अपने नन्हे नन्हे पैरों से चल के आ रहे ऊपर। आओ जल्दी जल्दी, आशु जल्दी जल्दी, फटाफट आओ फटाफट, और बची शाबाश, ओ फाइनली कंप्लीट, स्माइल कर दो एक। अब तो अभी जा रहा अपने घर पे, ए ए ए ए इधर लेफ्ट में बराबर पता उसको।
अभी हम लोग जा रहे हैं खेम बीच, तो सब रेडी हो गए, पीछे खुर्शीद गौस और नीचे अरमान भाई गाड़ी निकाल रहे हैं, तो चलो आप लोग को भी दिखाते खेम बीच रूम। बाय बाय। खीम बीच पहुंच चुके हैं और अभी तो बस ऐसे ही मॉर्निंग में थोड़ा आए टहलने के लिए, इसके बाद हम लोग मतलब और दूसरे बीच पे भी हो सके तो जाएंगे। तो पहले ये बीच का देख लो आप लोग सीन क्या है, क्योंकि हम लोग का घर बाजू में ही था, तो मतलब हम लोग ने जो रूम लिया वो बाजू में ही था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तो चलो, और यहाँ लाइन से बहुत सारे जूता निकाल के गाड़ी में रख देते हैं, क्योंकि जूता गंदा नहीं होना चाहिए। और सामने बहुत ही खूबसूरत सा समुंदर दिख रहा है। समुंदर हटो यार थोड़ा साइड तुम लोग। पूरा खिमी बीच ये देखो, पूरा देखो, आज पानी लगता है बहुत ऊपर तक है इसके लिए। हम लोग बीच पे तो पहुंच गए हैं और बीच मतलब मस्त लग रहा है, मतलब सही है यार, यहाँ का क्लाइमेट माहौल एकदम सही है। और यहाँ पर असद भी फुल मस्ती कर रहा है, मतलब उसको थोड़ा बकेट वकेट लेके आए जो बच्चे लोग जिसे खेलते हैं रेत में। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है करने के लिए, जैसे आप बग्गी है, स्कूटर जैसी बग्गी रहती है वो चला सकते हो, डर्ट बाइक भी बोलते हैं उसको, और बनाना राइड है, फिर घोड़ा गाड़ी है, फिर एक साइकिल है उस पर दो जन मतलब बैठ के जा सकते हैं, और जेट स्की भी है जो पानी में, पानी का स्कूटर है समझ लो, तो वो भी है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर आके कर सकते हो, और दुकानें भी बहुत सारी है जहाँ पर मैगी वैगी सब मिलता है। ये इसके पप्पा ने इसके लिए बिल्डिंग बनाया और वो तोड़ रहा है। आशाद 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 नहीं सुनेगा, देखो पूरा रेत रेत हो गया लड़का। If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you're 10, the rubber band. Come on for the 100 pound. All of this talk, but don't run a mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know, is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know, is when we leaving. आपको दिखेगा इसने जर्सी कैसा चलाया, तो इसके ब्लॉग में जाके देखो। और ये देखो पीछे पूरा है, जर्सी का जो प्राइस है ना वो एक आदमी का 400 रुपया पर पर्सन, और अगर आपको हैंडल बस अपने हाथ में लेना है वही चलाएंगे धूप। और एक बात, धूप है इसके लिए मैं टोपी पहनूं,
और हैंडल क्या बोलते हो आपके हाथ में तभी देंगे, और हाथ में क्या देंगे, थोड़ा सा देंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं उसका। और जो बनाना राइड है वो पर पर्सन 200 रुपये है, और जो वो बग्गी है उसका प्राइस कुछ 2 जन का 150 है और सिंगल का 100 रुपये जेट सी में। और कैसा मतलब एक्साइटेड है क्या नहीं जाने के लिए? एक नंबर, बहुत ज़्यादा। हाँ तो वो उसका जेट सी वाला जो वीडियो है अगर देखना है तो इसके चैनल पे जाकर देखो, क्या नाम है? सलमान शेख ब्लॉग्स। हाँ सलमान शेख ब्लॉग्स जाके यूट्यूब पे सर्च करो, आ जाएगा भाई का चैनल। दोस्तों चलो अभी चलते अपन कुछ खाते हैं, उसके बाद अपन रूम पे जाते हैं, और फिर उसके बाद और भी मतलब दूसरे बीचेस पे भी जाना है। और अभी टाइम लगभग 1 बज चुका है, 1:30 बज चुका है, और 4 बजे का हम लोग का चेकआउट है, तो चलो फटफट चलते हैं। सो दोस्तों मस्त हम लोग नाश्ता वास्ता करके आ चुके हैं, और खीम बीच पे बहुत मज़ा आया, फुल मतलब घूमे, असद को भी बहुत मज़ा आया, और वहाँ पर बहुत सारी राइड भी थी यानी। तो अभी 4 बजे हम लोग जब निकलेंगे यहाँ से तो हम लोग दूसरी बीच पे जाएंगे, तो वो बीच पे जाके हम लोग मतलब वो स्कूटर चलाएंगे, बग्गी जो रहती है ना बाइक बग्गी, तो वो चलाएंगे, उसको डर्ट बाइक भी बोलते हैं, वो चलाएंगे। तो चलो अभी नहाते फटाफट, फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर अपन एकदम नहा भी के रेडी हो चुके हैं, और अभी अपना चेकआउट करने का टाइम हो चुका है, और अभी हम जा रहे हैं अलीबाग बीच, क्योंकि ये बीच तो घूम चुके हैं, और अभी यहाँ से जाएंगे अलीबाग बीच, वहाँ थोड़ा घूमेंगे, फ़ोटोशूट करेंगे, देन वहाँ से घर के लिए निकलेंगे। तो चलो चलते हैं। फाइनली हम लोग ने गाड़ी पार्क कर ली है, बीच के बाहर ही पार्किंग है, और अलीबाग पहुंच चुके हैं। तो चलो अभी देखते कैसा है, क्योंकि बीच तो सब नॉर्मली सेम ही रहती है। तो चलो ये ब्रिज पे देखते अलीबाग में ऐसा क्या है जो पब्लिक इतना इधर आती है। चलो देखो फाइनली पहुंच चुके हम लोग अलीबाग बीच, और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो पानी नहीं है ज़्यादा, इसके लिए पूरा ओपन ओपन है, और यहाँ पे गाना भी ना चालू है, मदारी खेल वील चला रहे हैं। यहाँ पर तो ऊँट भी है, सही है भाई, मस्त संडे, इसके लिए इतना भीड़ भी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। और अभी हम लोग यहाँ पर सामने एक फोर्ट दिख रहा है, तो सब बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए, देखते अगर रास्ता रहेगा तो जाएंगे। और यहाँ पर देखो सामने एकदम बड़ा सा अलीबाग लिखा हुआ है, अलीबाग बीच दिखाता हूँ। तो ये सामने हम लोग को एक किला दिख रहा है सीधा सीधा, इसको कुलाबा फोर्ट बोलते हैं शायद से क्या इसको कुलाबा फोर्ट बोलते हैं। और यहाँ पर देखो एकदम सन्नाटा, एकदम खाली दिख रहा है, एकदम मस्त अलीबाग बीच के इधर, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि बीच है, एक तो एकदम मैदान दिख रहा है और आगे समुंदर है पूरा। सीधा सीधा भी हम लोग जा रहे, देखते रास्ता रहेगा या फिर पानी रहेगा, पानी रहेगा तो नहीं जाएंगे, रास्ता रहेगा तो चले जाएंगे। और ये देखो आगे बहुत आगे समुंदर है, तो चलो ये फोर्ट पे चलते। चलते चलते यहाँ पर आके फंस चुके हैं, क्योंकि ये देखो हम लोग को वाटर क्रॉसिंग मिल गई है एक, तो अभी इसको क्रॉस करना है, पहना है जूता तो जूता हो जाएगा गीला, तो कूदना पड़ेगा। चलो गिरी लगा पाया ये। तो आ चुके अभी इसकी बारी है, आओ आओ आओ, जूता भीगाओ, बिना भीगे तो आएगा ही नहीं। बस इधर का पाएगा, उधर ज्यादा एरिया है वो। ये भी भीग गया, क्या काम करता हूँ, टाटा बाय बाय। काट के कैसे भी हम लोग ने वाटर क्रॉसिंग कर लिया है, अभी थोड़ा सा करीब बचा हुआ है बस, ये अपना फोर्ट सामने ही दिख रहा है, थोड़ा सी दूर है। तो चलो पीछे देखो अलीबाग बीच कितना दूर है, और हम लोग कहाँ आ गए, अभी यहाँ से हम लोग को फोर्ट पे जाने, और बड़ी कठिनाइयाँ पार करके जा रहे, कैसे कैसे करके। तो चलो अभी समझ लो 2-3 मिनट की दूरी पे नजदीकी है। तो दोस्तों फाइनली मतलब इतनी
मतलब मेहनत के बाद ऐसे तैसे कैसे करके हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्ट के पास। थोड़ा सा दूर दिख रहा है, थोड़ा सा ही दूर है, वो दो कदम समझ लो अपना। तो चलो फोर्ट पे चलते हैं। फोर्ट है और यहाँ पर असद ने अपनी दुकान खोल ली है, देखो कौड़ी बेचने की, पत्थर बेचने की है। देखो ये देखो कितना जमा किया है, ये देखो असद को। असद असद कितने का है? फ्री में दे दूंगा भाई आपको, तो लाओ दो मेरे को, दो चाहिए। नई नई दुकान खुली है, आ जाओ लूट लो। ये देखो इन लोग को, बच्चे लोग के जैसा बुड्ढी का बाल खा रहे। अच्छा ये बुड्ढी है कौन जिसका ये बाल रहता है? ये बुड्ढी का बाल बचपन से खाते आ रहे, पर अभी तक किसी को नहीं पता ये कौन सी बुड्ढी का बाल है। भाई क्या बोल रहा था? और ये सर का ही बाल है ना। बरतौला असद को खिला रहे, देखो कैसा फटक से ली लिया। ये क्या गलीस चीज खिला दिया इसको, बोल रहे। यहाँ पर असद से मैं मिट्टी खरीदा, लाओ भाई असद दो दो। कितना रुपया हुआ आपका? फ्री में दे रहे हैं। हम लोग जब आए थे तो किले के सामने आए थे, पर रास्ता पीछे से, ये देखो जहाँ कुर्शीदगढ़ है ना वहाँ से रास्ता है, तो चलो वहीं से जाने का, पूरा घूम के आना पड़ा पीछे। टॉक्स पे भी एकदम सामान संभाल के चलना पड़ता है। देखो ये देखो, इससे कठिन रास्ता तो हम लोग ये रास्ता मिल गए, पीछे ही रास्ता ये पूरा। ये ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी दी हुई है अंदर किले पे, ऊपर चल के देखते हैं कैसा दिखता है ऊपर से सब। फाइनली किले के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। हाइट देख के आप लोगों को पीछे पता ही चल रहा रहेगा, तो आप लोग भी लुफ्त लो ये इतनी हाइट का। और हालत ख़राब होगी हम लोग की ऐसा चल चल के आने के, क्योंकि पत्थर पत्थर रहते ना पूरे इसके लिए। ये देखो पूरा सामने अलीबाग है और यहाँ पर समुंदर है, यहाँ पे भी समुंदर है और यहाँ पे कुछ तो है गांव जैसा टापू जैसा, यहाँ पे भी समुंदर है और यहाँ पर वो अपना पैरा ग्लाइडिंग होता है, आपको शायद दिख रहा रहेगा। देखो सामने ये देखो स्काई, ये देखो ये सामने ही पैरा ग्लाइडिंग हो रही है। तो इसका कुछ 1000 रुपया बोला था हम लोग को और दो जन का 1500 रुपया। तो अपन ने पैराग्लाइडिंग तो नहीं किया क्योंकि मतलब मन नहीं किया इतना कि चाय करे, और अपने पास इतना टाइम भी नहीं है। तो अभी अपने को घर पे भी निकलना है, तो अभी हम लोग आए थे किले पे और किला मतलब ठीक है, अच्छा है, फ़ोटो वोटो क्लिक किया यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे फिर से पीछे जहाँ अलीबाग बीच है वहाँ पर रिटर्न जाएंगे, तो एक दो फ़ोटो और खींच लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। हम लोग अभी असद को छोड़ के जा रहे हैं। चल असद बाय 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 नहीं हाँ तो चल साथ में फिर, खड्डा भर रहा है पानी, चल गाड़ी पे बैठेंगे। ये देखो ये पानी ऊपर आएगा, वो कौवे वाली कहानी कर रहे है, खड्डे में पानी पत्थर डाल रहा है और पानी ऊपर आएगा। भाई चलने का क्या लेगा असद असद, और इतने सारे जो पत्थर इसमें जमा है ना इसी ने भरा है सब। असद क्या चाहिए? चल बेटा चल 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 बस चल, इधर घर बस आएगा क्या अभी? चल ना चलो चलो अपन चलो चलो अभी इसको छोड़ के चलते, चलो 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 बाय 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 बाय। तो चल चला आया अभी बराबर, चलो आ गया अभी चलते। बीच पे हम लोग रिटर्न आ गए और अभी हम लोग क्या बोलते हैं ये डर्ट बाइक लेने वाले चलाने के लिए, चलो देखते प्राइस कितना है, मतलब बार्गेनिंग करते प्राइस कितना है देन हम लोग लेते अपनी। मतलब जो डर्ट बाइक का उसका मतलब जो बंदा था जिसका डर्ट बाइक है उससे डील फिक्स हो गया है, उसने मतलब तीन राइड दिया अपने को कितने में, 250 में। पहला 100 रुपया बोल रहा था एक राइड का, बट 250 रुपये में उसको हम लोग ने बोला कि दे दे चल, तो उसने दे दिया। तो गौस अभी राइड के लिए गया है, उसके बाद देखते कौन जाता है। तो चलो सही है, अच्छी डील मिल गई हम लोग को। When we leaving, all I really need to know is when we
लिए और आप लोग ने भी देखा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई, मतलब ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा और मज़ा आई, अच्छा लगा। तो अभी चलो चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, देन निकलते हैं घर के। तो फाइनली अपना मतलब अलीबाग घूम के पूरा हो चुका है, अपुन ने क्या बोलते अपना डर्ट बाइक भी चला लिया, बहुत मज़ा आया, और यहाँ पर अपनी गाड़ी भी रेडी हो गई है। तो अब टाइम हो चुका है आप लोग से अलविदा लेने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ये ट्रिप आपको कैसा लगा नीचे बताइए कमेंट करके, और वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए चलते घर पे और मिलते इसी तरह किसी नए वीडियो। When we leave, and all I really need to know is when we leave. Yeah.